ग्वालियर में रिश्तों को तार तार करने वाला मामला सामने आया, जिसमें एक युवक ने अपनी बहन को हवस का शिकार बनाया और फिर बहन की 12 साल की बेटी को भी नहीं बख्शा। पुलिस ने बहन की शिकायत पर आरोपी भाई के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। दर्शकों लेकर जांच थाना क्षेत्र के गली नंबर 1 संकट चौक नाका चंदौनी निवास करने वाले युवक ने पास के मोहल्ले में निवास करने वाली सगी बहन और उसकी 12 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। फरियादी महिला ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले मायके गई थी, तब उस भाई ने उसे अपनी शिकार बनाया था और 15 दिन पहले जब हम घर आ गए थे तब आरोपी भाई मेरे घर पर पार्थी मोहल्ले पहुंचा, मेरी 12 साल की नाबालिग बच्ची को भी अपनी हवस का शिकार बना लिया। जब बेटी को दर्द हुआ तब बेटी ने मामा की करतूत बताई, जिसके बाद पुलिस से शिकायत करने थाने पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर पॉक्सो एक्ट सहित अन्य मामले भी दर्ज किए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें बहन ने ये शिकायत करी है कि उसके भाई ने उसके साथ गलत काम 1 महीने पहले किया था और उसकी 12 साल की बच्ची के साथ में भी गलत काम किया है। पुलिस ने तीनों क्षेत्र का केस रजिस्टर्ड करके आरोपी को गिरफ्तार किया।